फ्रेंड कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी यादव रंब है। आप देख रहे हो टेक्नो 210। आज हम बताने वाले कि बीजेपी का कुछ इस तरह का पोस्टर एडिटिंग करने वाले हैं जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका हम पोस्टर लिंक भी दे देंगे, पोस्टर PLP फाइल भी देंगे और PNG फाइल भी देंगे। तीनों का सेम पासवर्ड होगा, सेम एक ही फाइल में मिलेगा आपको। पूरा वीडियो जरूर देखना, वीडियो में कहीं ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा हम PLP फाइल ऐड कैसे करना वो भी हम आप आगे चल के बताते हैं। इसके पहले हम आपको इसको क्रिएट कैसे करना है ये भी हम बता देते हैं। और सबसे पहले जो बंदा अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले पिक्सेल एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। आपको पिक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जिसके मोबाइल में पिक्सेल एप्लीकेशन नहीं है वो बंदा पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर ले, डाउनलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर पिक्सेल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर न्यू, पहले पहले आपको ओपन करोगे तो न्यू टेस्ट देगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। और मैं बता दूँ जो फाइल आपने डाउनलोड किया है और उसको अनजिप किया, पूरा वीडियो देख के पासवर्ड देख के उसको उस फाइल में कैसे जाना है, आपको यहाँ पर आपको 3 आइकन देखने को मिलेगा। इस पर सेलेक्ट करना है, उस पर इमेज गैलरी पर जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 आइकन सेलेक्ट करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। अब उस वाले फाइल पे जाना जहाँ पर आपको BJP पोस्टर लिखा हुआ है, उसका पोस्टर का नाम है BJP पोस्टर, इस तरह का मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस तरह सारा सारा PNG आपको मिल जाता है, बाकी इसी में आपको PLP फाइल भी मिलेगा। PLP फाइल कैसे ऐड करना वो भी हम आगे वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले आपको इसको एडिटिंग करके बता दो कैसे ऐड करना है। तो पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसको यस कर लेना है। अब यहाँ पर फिर से आपको यस हो जाता है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको प्लस वाला सेलेक्ट करना है और फॉर्म गैलरी पे जाओगे, फिर से क्लिक करोगे वही वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर पहले आपको PNG कुछ इन लोगों को लेना है, इनको सेलेक्ट कर लेते हो और इसका साइज को आप बढ़ा देना है ऐसे क्रिएट करके। इस तरह का आपको PLP फाइल का इसका PNG का साइज पूरा फुल कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह का हम टेस्ट लेंगे, यहाँ पर PNG बनाया हुआ है। बाकी PLP फाइल में आपको हम बताते हैं इसको कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा इसका भी साइज हम कुछ इस तरह का ले लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना, प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे, जो भी फोटो आपको लगाना था। जैसे मैंने यहाँ पर रवि किशन जी का लगा रहा हूँ, इसको भी आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, अपना फोटो PNG वाला लगा सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह का सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना, आगे आपको इस नेम प्लेट लगाना है, उसके लिए आपको फिर से प्लेस करना है, इसे प्रेस करेंगे और फॉर्म गैलरी पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह का हमने बनाया है, काफ़ी बेहतरीन डिजाइन में किया दिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो अपने मोबाइल में अपने हिसाब से भी सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर न्यू टेस्ट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं 2 बार इस पर टैप करूँगा इस टेस्ट को लेकर और सारा का सारा डिलीट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको अपना नाम लिख कर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेस किया, यहाँ पर हिंदी में जैसे मैंने लिखा आरबी यादव, ठीक है। यहाँ पर आरबी यादव आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप अपनी आपको अपना फ़ॉन्ट वोट लगा के आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इनका भी नाम हमने लिखा है PNG में, इनका हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर रवि किशन गोरखपुर संसद, ठीक है, इस तरह हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस तरह का लगा दिया, मैंने लिखा है काफ़ी बेहतरीन डिजाइनिंग में। इसके बाद आपको सेव कैसे करना, सेव वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या सेव टू इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्वालिटी पूछेगा, क्वालिटी आपको अल्ट्रा कर लेना है, उसको सेव कर लेना है। तो हम इसको हम बैक करते हैं। अब आपको PLP फाइल का ऐड करते हैं, दिखाते हैं उसको कैसे कैसे डिजाइनिंग कर दिया गया है। PLP फाइल के लिए आपको करना है 3 आइकन सेलेक्ट करना है, ओपन PLP फाइल पर क्लिक करना है। जैसे हमारे पास पहले से यहाँ पर प्रोजेक्ट सेव है तो प्रोजेक्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी वाले फाइल में प्रोजेक्ट है आपके पास, जो फाइल आपको PNG वाला डाउनलोड किए हैं पूरा वीडियो पोस्ट फो ना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर .pl पे क्लिक करना है और यहाँ पर 3 आइकन से यहाँ पर आईरो का क्लिक, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस वाले फाइल को ओपन करना है जिसमें आपको BJP का कुछ दिखाया था। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा BJP पोस्टर, यहाँ पर आपको PLP फाइल उसी फाइल में दिखने को मिल जाएगा। इसको ऐड करने के लिए ओके का ऑप्शन देगा, ओके कर लेना है। ऐड ओपन PLP फाइल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक बार बैक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको PLP फाइल ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर डुओ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जे जितना चीज़ मैंने उपयोग कर रखा है सब कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।